सिंह अमर रहे, महाराजा हरि सिंह अमर रहे, महाराजा हरि सिंह अमर रहे, महाराजा हरि सिंह अमर रहे। छुट्टी दो, छुट्टी दो, छुट्टी दो, छुट्टी दो, छुट्टी दो, छुट्टी दो, छुट्टी दो। महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे, महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे, हरि सिंह जी अमर रहे, महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे, महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे। महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे। बसकी एक बार महाराजा छुट्टी हो, बसोली की एक बार महाराजा छुट्टी हो, बसोली की एक बार महाराजा छुट्टी हो। आज हम सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और सारे बसोली वासी सब एक मंच पे इकट्ठे आए हैं सिर्फ और सिर्फ महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी के लिए, क्योंकि महाराजा हरि सिंह जी ने हमारे जम्मू कश्मीर के लिए बहुत कुछ किया। अगर आज हम हिंदुस्तान का झंडा उठाते हैं या तिरंगे की शान में हर काम करते हैं तो उसका श्रेय महाराजा हरि सिंह जी को जाता है, जिन्होंने 26 अक्टूबर को हमारा हिंदुस्तान के साथ हमारा विलय कराया और हमें तिरंगा उठाने का हक दिया। और हमारी ये मांग है पूरे बसोली वासियों की, समस्त बसोली वासियों की, कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिवस पर छुट्टी दी जाए, जो कि एक हमारा हक है। धन्यवाद। महाराजा हरि सिंह जी जो हमारी आन बान और शान, हमारे जम्मू कश्मीर के जो फाउंडर भी माने जाते हैं, उनके पिताजी जो हमारे महाराजा गुलाब सिंह जी से जो वंशज चलते आए, और जो हमारे लास्ट हमारे जम्मू कश्मीर के महाराजा रहे, महाराजा हरि सिंह रहे, उनका एक इतिहास है और उस इतिहास में उनकी कई योगदान हैं जो जम्मू कश्मीर रियासत को उनके द्वारा दिए गए। जैसे कि हमारे यहाँ पे बेटियों को एक अधिकार दिलाया गया, वो महाराजा हरि सिंह द्वारा दिलाया गया। उनको हमें एक स्पेशल स्टेटस दिलाया गया कि जम्मू कश्मीर के अवाम जो है वो, उनकी प्रजा कभी भी उनके जाने के बाद भी तंग ना हो, वो भी उन्हीं के द्वारा दिया गया। और जब भारत का J&K जम्मू कश्मीर के साथ विलय हुआ तो वो भी उन्हीं के समय हुआ, और उन्हीं की शर्तों पे जब हमें एक आज जम्मू कश्मीर को एक नई पहचान दी जाती है, या जम्मू जो मुकुटमणि के रूप में पूरे भारतवर्ष में या पूरे विश्व में माना जाता है, वो महाराजा जी की ही देन है। आज अगर उनकी छुट्टी के लिए इस तरह क्रांतिकारी रूप में हमें सबको आना पड़ रहा है तो ये एक विडंबना भी है, लेकिन मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ कि आज पूरे बसोली की पूरी आवाम और पूरे गणमन ने जितने भी यहाँ के निवासी हैं वो आज एक मंच पे आके आज महाराजा की छुट्टी के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। मैं सरकार से, LG सरकार से और केंद्र सरकार से यही अनुरोध करूँगा कि महाराजा की छुट्टी जो हमारा अधिकार है वो अधिकार हमें वापस मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे अधिकारों के लिए उन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन जो है वो अपना यहाँ पे कुर्बान किया है। देखते हैं कि पूरी रियासत के अंदर, खासकर प्रोविंस जम्मू के अंदर, काफ़ी दिनों से ये संघर्ष चल रहा है कि महाराजा हरि सिंह जो डोरों के राजा थे, कि उनके जन्मदिन पर छुट्टी दी जाए, लेकिन समझ नहीं आती है कि सरकार को क्या प्रॉब्लम है छुट्टी नहीं देने में। महाराजा हरि सिंह जी का योगदान रहा है रियासत के अंदर, उन्होंने रियासत को स्पेशल प्रोटेक्शन देने के लिए 1929 में जो एक आपका स्टेट सब्जेक्ट लाया, उसका यही था एक, मैं समझता हूँ कि जैसे 370 था, जैसे उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए जैसे ये था, उसके बाद उसको आईन में लाया गया, लेकिन ये प्रोटेक्शन थी हमारे नौजवानों के लिए, हमारी ज़मीन के लिए, नौकरियों के लिए, लेकिन हम चाहते हैं उनका योगदान है और इसमें छुट्टी ना देने की हमें कोई समझ नहीं आई। हम सभी आज इकट्ठे हैं, कोई यहाँ पॉलिटिक्स पार्टी ऑफ पॉलिटिक्स नहीं है, सभी लोग इकट्ठे हैं और हम ये चाहते हैं, हम LG साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि छुट्टी दीजिए, और कोई इसमें बड़ी मुश्किल नहीं है। मैं समझता हूँ कि छुट्टी देनी चाहिए, हमारा हक भी बनता है और उनकी शान में भी ये बात जाती है। धन्यवाद। जैसा कि आज आपने देखा कि सभी बसोली के जितने भी मैं कहता हूँ जितने भी डिफरेंट पार्टीज़ के लीडर हैं, सभी आज एक मंच पर आके महाराजा हरि सिंह जी के लिए छुट्टी की डिमांड कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ ये सराहनीय कदम है। और युवा राजपूत सभा ने इसको बीड़े को उठाया था और पूरा डोगरा समाज इनके साथ चल रहा है। और आज जैसा कि महाराजा हरि सिंह जी ने अपने समय में सर्वधर्म समाज की जो स्थापना की, सबको राइट्स दिलवाए, SC समाज को राइट्स दिलवाए, मंदिरों में जाने के लिए उनको एक वो दिया गया, मतलब आज्ञा दी गई कि वो जा सकते हैं मंदिरों में, और इसी प्रकार से उन्होंने अन्य कई तरह के जो
जो समाज में परिवर्तन लाने चाहिए वो सारे परिवर्तन लाने का उन्होंने काम किया। एक ऐसी छवि जिसने भारतवर्ष का भी रिप्रेजेंटेशन जो है वो बाहर किया और उस समय भारत को स्वतंत्र करने की मांग जो सबसे पहले महाराजा हरि सिंह जी ने उठाई, उसके बाद विलय भी जो है उन्होंने विलय भारत सरकार के साथ किया और भारत को जो है वो जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ा। मैं समझता हूँ कि ऐसी महान विभूति की छुट्टी जो है वो अवश्य होनी चाहिए। जिस प्रकार से अभी भी आपको पता है, कल भी जो है रविंद्र रैना जी से इसकी डिमांड की जाती थी, उन्होंने भी कल कह दिया कि छुट्टी जो है वो होनी चाहिए और हम सब इसकी डिमांड करते हैं। ऐसे पूरा जो डोगरा समाज है सभी इसकी छुट्टी की डिमांड कर रहा है और मैं चाहता हूँ एलजी प्रशासन से कि वो इसका संज्ञान लें और शीघ्र हमें छुट्टी दे जिस प्रकार से विलय दिवस की छुट्टी दी गई थी। धन्यवाद। महाराज हरि सिंह हमारे जम्मू कश्मीर की वो शख्सियत थी, पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम रहा मगर हमारा जम्मू कश्मीर कभी गुलाम नहीं हुआ। और आज अगर हमें सिर्फ ट्रेलर दिखा रहे हैं और आने वाले समय में इसको हम बखूबी से इसको खूंखार तरीके से भी दिखाएंगे। हमें छुट्टी मिलनी चाहिए, छुट्टी हमारा अधिकार है। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे कि हमें छुट्टी दो। महाराज हरि सिंह का जम्मू कश्मीर था, आज भी है और रहेगा भी। उन्होंने हर जाति विशेष को अपना हर तरीके से अपने सीने से लगाया और सीने से लगा के हर तरीके से उनको अधिकार दिया और सबके ऊपर छत्र छाया रखी। मैं उनका युवा रायपुर सभा का और ज़्यादा अपने दिले से अपना अभिनंदन करता हूँ कि हम आपके साथ हैं। आप अकेला मत समझिए अपने आप को, बसोली भी आपके साथ चलेगी। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आज आप सभी ने देखा कि बसोली में एक हम युवाओं के द्वारा जो कि एक छोटा सा एक प्रदर्शन किया गया, तो मैं एलजी सरकार से और केंद्रीय सरकार से यही गुहार करूँगा कि जो इस छुट्टी को के लिए ज़्यादा विलंब ना करते हुए इस 23 सितंबर से पहले पहले जो है, जैसा कि रायपुर सभा ने आज का दिन दिया था, आज का टाइम दिया था कि आज छुट्टी अनाउंस हो जाएगी। आगे हम लोग देख रहे हैं, उनकी कॉल का वेट कर रहे हैं कि जो भी कॉल देंगे, हम बसोली के जितने भी लोग हैं हम सब उनके साथ खड़े हैं। वो अपने आप को अकेला ना समझे, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम बसोली से बसें भर के अगर हमें जम्मू की तरफ रुख करना पड़ेगा तो हम ज़रूर करेंगे। इसके लिए हम तैयार हैं बिल्कुल। एक सभी के सभी दल जितने भी हैं बसोली में, जितने भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं, युवा हैं और स्कूल कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं, सभी तैयार हैं इसके लिए और सभी आज एक मंच पे खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत। जय की तरफ से एक यंग लोगों की मीटिंग का ऑर्गेनाइज किया गया है। इस मीटिंग में जहां तक मुझे लगता है कि सभी पार्टी के लोग, सभी पार्टी के प्रवक्ता, हमारी भाजपा से यूथ प्रधान उदित जी हैं, एनसी से हमारे अमित शर्मा जी हैं और जय डुग्गर से हमारे गोल्डी जी हैं। तो हम सब ने कोशिश किया है कि इसको एक साझा कार्यक्रम बना के और हम इसको महाराजा की छुट्टी के लिए सरकार से बात की जाए। और जैसे कि हमारे प्रधान ने अभी कहा भी है कि रैना जी ने कल ही इस चीज़ के लिए आश्वस्त किया लोगों को कि हम जल्दी ही ये खुशखबरी इन लोगों को देंगे। तो अब मैं चाहता हूं कि हम सब लोग मिलके एक बार इसका थोड़ा सा एक जुलूस की शेप में हम लोगों को भी दिखाएं कि हम जो यूथ सारा एक यूनाइटेड मंच बना के बसोली की तरफ से हर पार्टी का बंदा यहां पर आके बात कर रहा है, जिससे कि हम एक मतलब लोगों को बताना चाहते हैं कि हम बसोली एक यूनाइटेड तरीके से इस महाराजा की छुट्टी के लिए हम लोग अग्रसर हैं।